मुबारक टू यू ऑल। बना दी अम्मी शिर गुमा भी बना दी इधर चिंदे अब भी उठे जस्ट ऐसी सुबह होती है। दो बनाई छोटा थोड़ा सा बनाइए। हम लोग अभी 10 बज रहे हैं सब उठे अभी मैं उठाया उठ जाओ भाई। तो ये टाइम क्या हो गया रमजान में हम लोग का सोने का टाइम है और हम लोग रोज उठते हैं 1 बजे 12:30 बजे सबको उठाया। अभी सब पहले लेडीज लोग नहा धो के तैयार हो जाएंगे उसके बाद अपना आएगा नंबर फिर अपन आएंगे हीरो माफिक तैयार जरा तब तक। और मैंने ट्रिमर भी चार्ज पे रख दिया था चलो देखते हैं जरा अम्मी बोल रही शिरकुमा बनाए मुझे लगा आज नहीं बनेगा हम लोग सब वो घर पे जाएंगे क्योंकि मेन तो वो घर है तो वहाँ पे पहले जाएंगे वहाँ पे बनेगा कल बनेगा शिरकुमा इधर अगर पता नहीं बाकी रिलेटिव्स कोई आ गया और कोई भूला भटका दोस्त आ गया तो भाई कहीं से खाली हाथ तो नहीं बेच खुद तो खिलाना पड़ेगा ना पक्का शिरकुमा है। पक्का मेरे को क्या लगा दूध रखा हुआ इधर पे क्या बात है अरे बस हो गया मेरे को और क्या मैं इतना पी लूंगा बस हो गया मेरे को नहीं बोला हाँ तो कल तो बनेगा बनेगा मैं बोला अभी अभी के लिए मेरे लिए इतना बहुत है। तो कुछ इस तरह दिखता हूँ मैं आफ्टर ड्रीम और यहाँ मुझे बाल नहीं आते इसलिए गलती तो नहीं करती काट के। तो अभी मैं जाता हूँ तैयार होता हूँ और ये धोता हूँ पहले 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखने का समझ गए। तो कुछ इस तरह मैं दिख रहा हूँ ये अम्मे ईद मुबारक। तो चालू हो गई हमारी ईद। अरे बाप रे अभी से थोड़ा सा गर्म हो रहा है इसमें अभी हम लोग को वो घर पे जाना है पहले बड़े अब्बा के घर पे जाएंगे फिर हम लोग ये घर पे जाएंगे फिर वहीं पे पूरा दिन वहीं पे रहेंगे। घूमना फिरना नहीं है सिर्फ 2-3 घर ही जाने के आपा के घर पे बस खत्म बस यही हमारी ईद रहेगी आज की बराबर बस कर रहे कितना बाल बनेगी। अरे आज देखो ना हमेशा सेट होते आज हो ही नहीं रहा वो ऐसे ही होता है मेरे भी नहीं हो रहे मेरे भी तो यही दी हो रहे लग रहा है कि नहीं तुम कॉर्पोरेटर का इलेक्शन अभी लड़ने जा रहा हूँ। हाँ, ऐसा हाथ रख नहीं और एकदम स्ट्रेच कर रहा था। अभी हम लोग आ गए बड़े अब्बा के घर पे हमारे बड़े काका बोल सकते हो बड़े चाचा। ए अरे भाग गई देख के भाग गई मेरे को ए ईद मुबारक पहना ना नई बनियान नई बनियान पुरानी लूंगी ईद मुबारक बड़े अब्बा मेरे ईद मुबारक ये मेरा भांजा ये मेरा भाई मेरा भाई बड़े अम्मी ताड़का झड़का गया क्यों क्या कर रहे बाथरूम में जा दो ये मेरा भतीजा ये मेरी भतीजी ईद मुबारक ये भी मेरी भतीजी ये हमारे घर की छोटी ब्लॉगर अरे दिखा दो शर्मा की रही है ईद मुबारक अरे फ्री का प्रमोशन हो रहा तेरा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ईद मुबारक ए मेरी भाभी अरे मेरी भाभी बाहर आंदे नहीं क्या स्पेशल बोले भगवान में जागने दो हंडी में दाल को छोड़ो ओके बिरयानी बन रही है बिरयानी पक गई है अभी जरा गौर से देख लो ये लड़के को अरे ऊपर तो देख तेरे रिश्ता नहीं लेके आया भाई इतना नीचे मुंडी करके बैठा है अभी ये एक और छोटा भतीजा कितने अरे तुम लोग खत्म ही नहीं होते मुझे भी डालो प्लीज सबिया सबिया हियर प्लीज। ये हो गया हमारे बड़े अब्बा घर का बिरयानी भी खाए सोया भी सो के उठ भी गए अभी तुम नींद आएगा ना अभी वो घर पे जाएंगे वहाँ पे शुरकुरमा पियेंगे फिर वहाँ पे भी सोएंगे बस ऐसे दिन जाता है फिर आपा के घर पे जाएंगे वहाँ शुरकुरमा पियेंगे फिर वापिस सो जाएंगे फिर अपने घर पे आके वापिस पी के वापिस हो जाएंगे यही करेंगे अभी। लाइक करो फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को कट हो गया निकल ले अभी। तो जैसे कि बता रहा था वो घर से इधर आया इधर भी सो गए इधर तो बिना शुरू करो पेश हो गया यार ऐसी ईद मुबारक कैमरे के लिए हाथ भी मिला लो ईद मुबारक ईदी तो कैमरा में देना पड़ता है इधर तो क्या बोले ला सब लो हाथ से तो क्या है
उसमें से मेरे को दे दो 500 रुपया। क्या चीज़ तेरे को? 500 रुपया। हड्डिया इधर 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 हड्डिया क्या? नहीं है। 50 रुपया। अगर हड्डी आती है ना तो 500 रुपए मिलते हैं। अगर चर्बी रहती है ना तो 50 रुपए मिलते हैं। जिसको चर्बी नहीं रहती उसको 200 रुपए मिलते हैं। रेड कार्ड नहीं मालूम तेरे को? कैसा ईद बनाते लोग? चलो अब्बा ईद मुबारक ईदी लो। हो गया तुम्हारी भी ईदी हो गई ना? अभी एक चीज अच्छी हो गई, तू यहीं मिल गई। तू यहीं मिल गई, तेरे घर पे थोड़ी आऊंगा। चलो एक और जगह सोने का अपना प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सब जगह सो सो क्या रहा जा जा रहा शुरू में फिर सो रहा। ये दिख रहा है मग, मेरे को मग्स का बड़ा ऑब्सेशन है। ये वाला मेरे को मिला था सीक्रेट सेंटा में, मेरे ऑफिस में। आधा लीटर का मग, पर आधी लीटर कॉफी नहीं है इसमें, पाव लीटर। चलो सेट, बाय सेट। ओके गाइस, बाय गाइस। क्या नाम क्या तुम्हारे चैनल का? मेरे चैनल का नाम है हटके फैक्ट्स। सर्च करने को तो आ जाएगा। हटके फैक्ट्स, हटके फैक्ट्स, कम ऑन। या गाइस, थैंक यू गाइस। उसको भी शेरगुरु में का नशा आ गया। पैसा मायने नहीं रखता, नींद मायने रखती है हमारे लिए। इधर 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 देख। अभी हम लोग आए अजहर भाई के घर पे। अजहर भाई एक बार कैमरे के लिए जरा। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बच्चों को भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। तैयार हो गए बेटी बेचारी, ऐसा मालूम पड़ा मैं आ रहा था। जैद भाई ईद मुबारक करो ना यार, ऐसा क्या करो? अरे 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 ईद मुबारक अच्छे से। हाँ और मेरी बहन भी तो अजहर भाई के घर के बाद मैं आया हूँ मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। अब बचपन के दोस्तों से मिलना ज़रूरी है भाई ईद में, तो मैं आया अयास के घर पे। हाय अयास। हाय। इसकी शक्ल आप देखो, किसे मिलती ज़रा बताना। अच्छा बाहर नमाज पढ़ रहे हैं हम लोग, ने अपनी पर्स पढ़ ली, बाद में सुन्नत नफिले पढ़ रहे हैं भाई बाहर। अभी जस्ट जाते हैं हम लोग बाहर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। अल्लाह जानी आधार कार्ड का पूरी थी। तू उसको कुछ भी बता वो वैसे ही खड़े रहेगा। तुमको क्या लगा भाई सिर्फ लड़कियां फोटो खींचाती है इनमें? हमारे भाई लोग भी खींचाते हैं। लड़के लोग को सिर्फ 2 या 3 पोज आते हैं, उसमें उससे ज्यादा पोज आते ही नहीं है। क्या बोलता आमिर, तू क्यों नहीं खींचा? तेरा नंबर कब आएगा? आ गया आ गया, आमिर का नंबर है। जाओ आमिर हस। ओह वापस से फिर से शुरू करूंगा। अभी वापस सोने का इरादा लगता तेरे, पिलाएगा और सुलाएगा तेरी। अभी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? कर ले अपन एडिट कर ले। भाई लो पहला आप शिरकुरमा लो। सुबह से पहला शिरकुरमा है मेरा। पहला भाई मैं पी पी के परेशान हो गया। पी रहा हूँ सो रहा हूँ, पी रहा हूँ सो रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पी माशाल्लाह। आप उठा लो सर, आप खुद उठा लो, आपको नहीं दूंगा मैं, बहुत दूर आप। भाई इतना सारा क्या लेके आया उठा के? मोहल्ले को नहीं बांटने अपने को? आज आया पहली बार चुप बैठा रहे, तो कुछ बोलता रहता है। आयास को मुंह देखो। आयास आयास अस्कर इतना भी मत। तो जस्ट अभी घर आया मैं सारे दोस्तों से मिलके, अच्छा लगा बहुत टाइम बाद। लॉकडाउन चालू हुआ था उससे पहले मिले थे, जस्ट अभी मिल रहे इतने टाइम के बाद। अभी बस मेरी वाइफ और हेलो नाम लिया और आ गए। मुझे लगा ये लोग आने वाले, वो लोग आ गए। आओ वेलकम। जस्ट आके बैठा तुम लोग आगे। हाँ वही बोल रहा था, अभी तुम लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में और तुम लोग आ गए। थोड़ा फ्रेश हो गए, मिलता हूँ तुम। चिप 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 हो रहा है मेरे। हाँ तो हो गई ईद खत्म। कैसी रही आपकी पहली ईद? मैंने पहले ही बोला था, तू बोल रही थी हमें कोई ईद नहीं मनानी मिलेगी इस बार, देख मना ले। ऐसे ही होता है शादी के बाद ईद मनाने नहीं मिलती है, शादी से पहले मनाने मिलती है, शादी के बाद नहीं मिलती, शादी के बाद सिर्फ यही सब होता है। नशा चढ़ गया लोग, इतना शिरकुमा खा के। कितनी ईदी मिली मैं क्यों बताऊं? तो आपके पैसे मेरे ही है ना। वाइट ये आपकी ईदी। ये आपकी ईदी। हाँ जब मैं मांगूंगा दे दे। ईदी ये एक्चुअली ईदी नहीं है, ईद का आने वाला जो फंक्शन है उसका। फिर 2-3 चीज का मिला के एक ही दिन दूंगा मैं। क्या?
मैं क्यों बताऊँ, सब मिला के बर्थडे का इसका उसका सब मिला के एक ही दूंगा मैं। अरे बर्थडे के लिए टाइम है। हाँ तो अभी वही बोल रहा हूँ, तब तक वो भी आ जाएगा ना, तो सब एक साथ आएगा, सब एक साथ खुशी का एक ही गिफ्ट मिलेगा फिर तक। क्या देना? बाकी मैं क्यों बताऊँ। तो आई डोंट नो, ये छोटा सा सिंपल सा व्लॉग आपको कैसा लगा ईद का, ये जस्ट मैं बताना चाहता था कि कैसे हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली क्या करते हैं, बेसिकली कुछ नहीं करते, बस घर जाते खाते, रिलेटिव से मिलते खाते सोते। अभी तो जवान थे तब तो सोते नहीं थे, भटकते थे यहाँ वहाँ ईदी की तलाश में। अभी तो ईदी मिलती नहीं है, तो खाने के बाद सीधा नींद ही आती है, तो दिन में 2-3 बार सो जाते हैं ऐसे करके। और एंड सॉरी अगर व्लॉग बहुत शेकी हुआ तो वो समझ जाओ यार, थोड़ा सा होता है। तो इसी के साथ वीडियो को ये खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट। पीस आउट।